नमस्कार तो सबसे पहले तो मेरे सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज हम एक मुख्य चर्चा करने वाले हैं क्योंकि हम हमारे जितने फुटबॉल फैंस हैं वो एक बहुत डिमांड करते हैं मतलब सभी करते हैं कि हमारे जो फॉरेन में फुटबॉलर्स खेलते हैं उनको अलाउ कराया जाए इंडिया टीम से खेलने के लिए तो हमारी टीम बहुत जल्दी ऊपर चली जाएगी फुटबॉल की फॉलोइंग भी बढ़ जाएगी बहुत सारे फायदे हो सकते हैं और फिर से एक बार ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने उसके ऊपर सोचने का निर्णय लिया है और एक टास्क फोर्स बनाई है जो कि 31 जनवरी 2024 तक सारी रिपोर्ट्स तैयार करेगी कौन किधर खेल रहा है हमारा प्लेयर और कल्याण चौबे साहब ने कहा है कि हम फिर से एक बार कोशिश करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है क्या रास्ते हो सकते हैं जिस तरीके से हम उन प्लेयर्स को जो इंडियन ओरिजिन के हैं उनको हम भारतीय फुटबॉल टीम से खिला पाएं तो अब हम बात करेंगे कि कौन से अभी तुरंत में ऐसे यंग प्लेयर या ऐसे कौन से प्लेयर्स जो एक्टिव है और जो इंडियन फुटबॉल टीम में आ सकते हैं खेल सकते हैं तो लिस्ट बहुत लंबी है तो इसलिए वीडियो आप पूरी देखेगा ताकि आप एक एक प्लेयर को जान पाए जो क्वालिटी रखता है बाहर की कंट्री में खेल रहा है लेकिन भारतीय मूल का है और भारत की टीम से कभी भी खेल सकता है अगर हमने अलाउ कर दिया तो और अगर इन प्लेयर्स में से सभी खेल लिए भारतीय टीम से तो आप सोच नहीं सकते इंडियन फुटबॉल टीम किस तरीके का गेम प्ले कर पाएगी तो चलिए मैं आपको सारे प्लेयर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ और आपको मजा आएगा सबके बारे में जानने का तो आखिर तक देखिएगा तो आपको भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्लेयर्स भारतीय टीम से खेलने के लिए एलिजिबल है तो शुरुआत मैं करूंगा यान ढांडा से जो की केवल चौबीस साल के अभी और इंग्लैंड की नेशनलिटी इनके पास है और ये एक विंगर और अटैकिंग मिडफील्डर पोजीशन पर खेलते हैं और इनको वैसे तो काफी इंडियन फैंस जानते हैं कि ये कौन है इनका अगर आप बोलेंगे यूथ जो डेवलपमेंट है लिवरपूल में हुआ था फिर ये स्वानसी सिटी में खेलने चले गए थे और करंटली अभी स्कॉटलैंड की टॉप डिवीजन जो स्कॉटिश प्रीमियरशिप होती है उसमें खेल रहे हैं ये और ये इंग्लैंड के यूथ टीम्स में ऑलरेडी इंग्लैंड को रिप्रेजेंट कर चुके हैं तो इनका गेम तो पता ही है सबको ये इंडिया से खेलेंगे तो कितना फायदा हो सकता है उसके बाद दूसरे प्लेयर है ओमित सिंह जो कि 32 इयर्स के हैं और ये भी अभी इंडिया टीम में आकर खेल सकते हैं क्योंकि अभी भी ये एक्टिव है और इनका गेम अभी भी सही है और ये ईरान की लीग में खेलते हैं विंगर पोजिशन के प्लेयर है और काफी स्किलफुल प्लेयर है अगर ये भी इंडिया टीम को ज्वाइन करते हैं तो काफी इम्पैक्ट इंडिया टीम में ये ला सकते हैं उसके बाद तीसरे प्लेयर है हरमीत सिंह जो कि 32 इयर्स के हैं और ये नॉर्वे की सिटीजनशिप है इनके पास और ये डिफेंसिव मिडफील्डर पोजीशन के प्लेयर है और ये ऑलरेडी नॉर्वे की नेशनल टीम से खेल चुके हैं और अगर आप इनका एक्सपीरियंस पूछे तो ये डच लीग नॉर्वे लीग फिनलैंड की टॉप डिवीजन लीग पोलैंड की टॉप डिवीजन लीग सब में टॉप डिवीजन लीग में पार्टिसिपेट कर चुके खेल चुके हैं तो एक्सपीरियंस के मामले में बहुत सॉलिड है और इन्होंने बहुत साल पहले कहा था कि अगर उनको इंडिया से खेलने का चांस मिलेगा तो जरूर खेलेंगे और अभी भी ये खेल सकते हैं बिकॉज एक्टिव है और अभी भी बहुत अच्छा गेम प्लेन का चल रहा है उसके बाद हम बात करेंगे डैनी बात की जो कि 32 इयर्स के और ये तो ऑलरेडी एक बार इंडिया भी आ चुके हैं और ये अपना इच्छा भी प्रकट कर चुके हैं कि मैं इंडिया की टीम से खेलना चाहता हूं लेकिन वही रूल्स के कारण खेल नहीं पा रहे और इनके पास इंग्लैंड का पासपोर्ट है और सेंटर बैक पोजिशन पे है और इनको काफी फैंस जानते हैं क्योंकि वॉल्व जो क्लब है उसमें खेला करते थे और अभी ये फिलहाल चैंपियनशिप जो इंग्लैंड का सेकंड डिवीजन होता है उसमें खेल रहे हैं उसके बाद अगले खिलाड़ी है दिलन मार्कंडे जो कि 21 इयर्स के हैं और इनके पास भी इंग्लैंड की सिटीजनशिप है और ये एक विंगर पोजीशन पे खेलते हैं और आप में से काफी फैंस इनको जानते होंगे क्योंकि टोटेनहम के प्लेयर रह चुके हैं और अभी फिलहाल ये स्कॉटलैंड की प्रीमियर लीग जो है स्कॉटिश प्रीमियरशिप उसमें खेल रहे हैं

और ये विंगर पोजीशन पे खेलते हैं और ये तो ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं और इनके पास खेलने का एक्सपीरियंस बोलेंगे तो इंग्लैंड का एक्सपीरियंस भी है और ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस भी है और इस साल आपको ये दिखेंगे बेंगलुरु एफ की जर्सी में इंडियन सुपर लीग में उसके बाद अगले खिलाड़ी की बात करते हैं सरप्रीत सिंह जो की ट्वेंटी फोर के है न्यूजीलैंड का पासपोर्ट है इनके पास और अटैकिंग मिडफील्डर भी खेल लेते हैं विंगर भी खेल लेते हैं और इनको आप सभी इसलिए जानते हैं क्योंकि इन्होंने बायर म्यूनी क्लब साइन किया था और वहां पर जब खेले थे तो हर इंडियन को बहुत प्राउड फील हुआ था तो इनके पास जर्मनी का एक्सपीरियंस है इनके पास ए लीग खेलने का एक्सपीरियंस है तो बहुत अभी एक्सपीरियंस इनके पास आ रहा है और अभी भी जर्मनी में ही खेल रहे हैं। तो ये भी बिल्कुल इंडिया से खेलने के लिए एलिजिबल है बिकॉज ये अभी न्यूजीलैंड की नेशनल टीम को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं उसके बाद बात करेंगे हम लूथर सिंह की जो कि 26 सिक्स ईयर्स के और ये साउथ अफ्रीकन प्लेयर है और विंगर पोजीशन पे खेलते हैं और ऑलरेडी साउथ अफ्रीका की नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं लेकिन दो के बाद से नहीं खेले नेशनल टीम से और ये स्वीडन की टॉप लीग में खेल चुके हैं और अभी फिलहाल ये पोर्चुगल की टॉप लीग में खेलते हैं तो एक्सपीरियंस के मामले में बहुत सॉलिड प्लेयर मैं कह सकता हूं और अभी 26 सिक्स ईयर्स के ही है तो अगर वो इंडिया में अभी आएंगे तो कितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं आप ये सोच ही सकते हैं उसके बाद हम बात करेंगे सिमरनजीत थांडी की जो कि 23 थ्री ईयर्स के है केवल और ये भी इंग्लैंड से आते हैं और ये डिफेंडर पोजिशन पे और ये लेस्टर सिटी के प्रोडक्ट है लेस्टर सिटी में इनका पूरा डेवलपमेंट हुआ है और ये इंग्लैंड की यूथ टीम्स में ऑलरेडी खेल चुके हैं और फिलहाल में ये साइप्रस की जो टॉप डिविजन लीग है उसमें खेल रहे हैं तो ये अगर अभी से हमारी टीम को ज्वाइन करते हैं तो इनके पास तो काफी लंबा करियर बचा हुआ है उसके बाद हम बात करेंगे जोसुआ पिनाडात जो कि 21 इयर्स के केवल और ये यूएसए का पासपोर्ट है इनके पास और ये विंगर पोजीशन पे खेलते हैं और इनको काफी फैंस जानते होंगे क्योंकि ये रियल मैड्रिड की यूथ एकेडमी में भी खेल चुके हैं और अयाक्स की एकेडमी में भी खेल चुके हैं। और ये यूएसए की यूथ टीम्स को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं और फिलहाल अभी ये डेवलपमेंट पर्पज पे डच लीग की जो सेकंड डिविजन लीग होती है नीदरलैंड की उसमें खेल रहे हैं उसके बाद आते हैं मलविन बेनिंग जो कि 29 नाइन ईयर्स हैं और इनका नाम पहले भी जुड़ चुका है जब स्टीफन कॉन्सेंटाइन इंडिया के कोच थे जब वो इनको इंडिया खेलने के लिए बुलाना चाहते थे तो इनके पास इंग्लैंड का पासपोर्ट है और एक फुल बैक पोजिशन के प्लेयर है और ये इंग्लैंड की लीग वन में खेल रहे हैं और इनको काफी एक्सपीरियंस है इंग्लैंड की जो लीग वन और लीग टू चैंपियनशिप होती है उसमें खेलने का फिर आते हैं शान हुंदल जो कि 24 इयर्स के हैं और इनके पास है कनाडा का पासपोर्ट और ये फॉरवर्ड पोजिशन के प्लेयर है और ये ऑलरेडी कनाडा की जो यूथ टीम्स है उनको रिप्रेजेंट कर चुके हैं और इनका सारा डेवलपमेंट यूएसए में हुआ है और अभी फिलहाल ये कैनेडा की जो प्रीमियर लीग है उसमें खेल रहे हैं उसके बाद आते हैं अर्जन रेखी जो की ट्वेंटी ईयर्स केवल अभी और ये इंग्लैंड के सिटीजन है मिडफील्डर पोजिशन पे खेलते हैं और ये एस्टन विला जैसे बड़े दिग्गज क्लब के प्रोडक्ट है और अभी फिलहाल ये डेवलपमेंट पर्पज पे लोअर लीग जो इंग्लैंड की उनमें खेल रहे हैं उसके बाद हम बात करेंगे मनप्रीत सरकारिया जो कि ट्वेंटी सिक्स अभी के पास ऑस्ट्रिया की नेशनलिटी है और ऑस्ट्रिया की जब बात आती है तो आपको पता है कि रियल मैड्रिड के जो डेविड अलावा है वो ऑस्ट्रिया से ही आते हैं तो ये भी उसी कंट्री में रहते हैं और वहीं पर खेलते हैं बहुत ही कमाल के विंगर हैं और ऑस्ट्रिया की जो टॉप डिवीजन बुन्डस लीगा होती है उसमें अभी फिलहाल ये खेल रहा है फिर हम बात करेंगे ब्रैंडन खेला की जो कि अभी केवल 18 इयर्स के हैं तो अभी तो इनका यूथ डेवलपमेंट ही चालू है और ये इंग्लैंड के प्लेयर है मिडफील्डर पोजिशन पे खेलते हैं ऑलरेडी अभी इंग्लैंड की यूथ टीम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अभी ये केवल 18 इयर्स के हैं लेकिन अभी ही इनको सीनियर टीम में ऐड कर लिया गया है और ये इस साल से चैंपियनशिप में जो कि इंग्लैंड का सेकंड डिवीजन कहा जाता है उसमें खेलने वाले हैं उसके बाद हम बात करेंगे जगवीर सिंह की जो की ट्वेंटी टू के के और इनके पास है डेनमार्क की नेशनलिटी और ये विंगर पोजिशन पे खेलते हैं और इनके पास डेनमार्क की टॉप डिविजन सेकंड डिविजन लीग्स को खेलने का एक्सपीरियंस अच्छा खासा है उसके बाद हम बात करेंगे गुरजिंदर सिंह की जो कि ट्वेंटी फाइव के हैं और ये ग्रीस की नेशनलिटी रखते हैं और इनके भी प्लेइंग एक्सपीरियंस की बात करें तो ग्रीस की सुपर लीग खेल चुके हैं और अभी ये फिलहाल ग्रीस की सुपर लीग टू जो होती है सेकंड डिवीजन उसमें खेल रहे हैं उसके बाद हम बात करेंगे साई सचदेवा की जो की केवल 18 के है और अभी फिलहाल में अगर आप बोलेंगे तो ये एक बहुत ही एक स्टार प्लेयर के रूप में निकल के आ रहे हैं और ये भी इंग्लैंड से ही है और फुल बैक पोजिशन पर खेलते हैं और ये सेफिल्ड यूनाइटेड एंड लेस्टर सिटी के यूथ प्रोडक्ट आप कह सकते हैं और इंग्लैंड के यूथ टीम्स को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और अभी फिलहाल में सेफिल्ड यूनाइटेड के अंडर ट्वेंटी में भी है और सीनियर में भी खेलते हैं फिर सबसे लास्ट में मैं बात करूंगा कैम कंडोला की जो की केवल नाइनटीन ईयर्स के है और इनके पास है इंग्लैंड की नेशनलिटी सेंटर बैक पोजिशन के प्लेयर है और वॉल्व क्लब जो है उसके यूथ प्रोडक्ट है और अभी भी फिलहाल वॉल्वस क्लब

कुछ इसमें एकदम टॉप डिवीजन में भी खेल रहे हैं कुछ इसमें अभी सेकंड डिवीजन के प्लेयर्स हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा इनके पास एक्सपीरियंस है और देखिए हमारे जो ए एफ प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि, कि किस तरीके से पॉसिबल एक रास्ता बना पाए कि ये प्लेयर्स इंडिया आकर खेल सकें तो अपनी पूरी कोशिश करने वाले हम होप करेंगे कि वो किसी तरह से अगर गवर्नमेंट को मनाने में कामयाब हो जाए वैसे तो बहुत मुश्किल काम है मैं आपको पहले से बता रहा हूं इसको एकदम हो ही जाएगा ऐसा सोच के मत चलिएगा ये क्योंकि पहले भी ट्राई किया जा चुका है पहले भी गवर्नमेंट ने मना कर दिया है तो इस बार फिर से कल्याण चौबे ट्राई करने वाले हैं कि फिर से कोशिश करेंगे कुछ हो जाए पॉजिटिव तो आई होप कि अगर पॉजिटिव होता है तो इनमें से आप सोच सकते हैं क्योंकि ये प्लेयर्स को वहाँ की नेशनल टीम में चांस नहीं दिया जा रहा है तो डेफिनेटली वो इंडिया की तरफ रुक कर सकते हैं वो इंडिया की टीम से खेल सकते हैं बिल्कुल हंड्रेड परसेंट गारंटी है तो आप इसके ऊपर क्या कहते हैं ये जो प्लेयर्स आपको कितने क्वालिटी वाले लगते हैं क्या आप इनको ऑलरेडी जानते थे पहले से या पहली बार इन सब प्लेयर्स के बारे में जान रहे हैं जो भी आप कहना चाहें जो भी आपको लगता है और क्या लगता है आपको ये जो पी प्लेयर्स है या ओ प्लेयर्स है इनको हम बुलाने में क्या कामयाब हो पाएंगे इस बार देखते हैं क्योंकि अभी इकतीस तारीख तक का टाइम है पूरी रिपोर्ट तैयार होगी 31 जनवरी दो तक उसके बाद ही कुछ हमको पता चलेगा कल्याण 24 आप कैसे गवर्नमेंट के साथ बात करने वाले हैं तो आप इस बारे में जो कुछ कहना चाहें जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जय हिंद जय जाह भारत